हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का इंग्लिश इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके पहले भी हमने जो भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का चार रूप हैं, दोनों के चार चार रूप को हम लोगों ने अच्छा से समझ लिया है, देख लिया है और सीख लिया है। जिन्होंने भी अभी नया वीडियोस में आए हैं, वो आप प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, उसमें पास्ट टेंस के चारों रूप और प्रेजेंट टेंस के चारों रूप, दैट मींस जितने भी टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के, वो सभी वीडियोस वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिए ताकि आप टेंस को अच्छे से समझ सके। और आज का वीडियो है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का जो पहला रूप है सिंपल फ्यूचर टेंस, आज हम इसको देखते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर टेंस वैसे एक्शन या वैसे कार्य जो अभी फ्यूचर में होने वाला है, जो कि वर्तमान में या फिर पास्ट में नहीं, बल्कि कब होगा वो इन फ्यूचर में हमारा जो एक्शन है वो होगा। अभी हम प्लानिंग सिर्फ किए हैं कि वो काम कब होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसमें मैंने जितना भी हिंदी में बोला है वही लिखा हुआ है कि फ्यूचर टेंस वर्ड एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्यूचर टेंस वैसे वर्ड को, वैसे एक्शन वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है जो कि अभी तक वो एक्शन हुआ नहीं है, और अ स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट, या फिर वो अभी तक काम जो है, एक्शन जो है अभी तक वो हुआ नहीं है या फिर घटित नहीं हुआ है, वो जो भी वर्क है वो हुआ नहीं है। दे आर यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट पीपल विल डू और प्लान टू डू इन द फ्यूचर। सिर्फ वो प्लान किया गया है कि फ्यूचर में उसको करना है या करेंगे, किसको, कोई भी एक्शन को, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा आगे फिर क्या बोल रहा है कि दे ऑल्सो कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर और इवेंट दैट हैज नॉट येट हैपेंड। और साथ ही साथ फ्यूचर टेंस में यह भी डिस्क्राइब किया जाता है, यह भी बताया जाता है कि फ्यूचर में जो भी इवेंट है, जो भी घटना है, जो भी हमारा एक्शन है, वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है, वो भविष्य में होगा। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं जो कि भविष्य में होने वाले हैं या प्लान किए गए हैं भविष्य में करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस। इट मीन्स बाद में होगा, मीन्स आने वाला समय में होगा। तो आइए हम लोग अब फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनता है, उसको आप देखते हैं। तो स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल या शैल का प्रयोग है। विल या शैल, अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सिर्फ विल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग लगभग बहुत कम ही होता है। शैल एक मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा जब भी किसी प्रकार का ऑर्डर हो, परमिशन हो, या फिर कोई आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको उसका अनुपालन करना होता है, तो वहाँ शैल का प्रयोग होगा। तो जनरली सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ आप विल का ही यूज़ करेंगे। जनरली शैल का यूज़ आप मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप विल हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, वी वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को आइए हम अच्छा से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में आई विल गो टू मार्केट। यहाँ पर जो मार्केट है वो मार्केट जाने का काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो जाएगा, मार्केट जाने का बात वो किया गया है लेकिन अभी गया नहीं है, वो भविष्य में जाएगा, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं स्कूल और सॉरी मैं मार्केट जाऊँगा या मैं बाज़ार जाऊँगा।
तो ये हमारा हुआ, ये आई है क्या, मैं, बाजार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये एक्शन गो। तो इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा ये बन करके तैयार हो गया। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, पहला मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, अभी वो बोला नहीं है लेकिन बोलने के लिए वो प्लान कर रहा है, भविष्य में बोलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूँगा। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, तो आई हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वी वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट में जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसको ऐड कर देना है लास्ट में। उसी प्रकार से दूसरा हमारा सस्टेंस क्या है, वह स्कूल जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू वेयर, स्कूल। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस, जिसमें हमारा ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब की तरह ये विल काम कर रहा है, और ये वी वन प्लस इधर जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आइए हम अब इसका नेगेटिव कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले देखते हैं। तो नेगेटिव सब्जेक्ट बनाने, ये सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, इसके बाद वी वन, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पहला जो सेंटेंस है, आकाश नहीं खेलेगा, आकाश नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा कुछ भी हो सकता है, आप फुटबॉल भी, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी खेल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है आकाश नहीं खेलेगा, तो आकाश विल नॉट प्ले, आकाश विल नॉट प्ले, यहाँ पर नॉट सिर्फ ऐड किया गया है, बाकी सेम एज इट इज़ है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेकेंड सेंटेंस क्या है हमारा, वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा, तो इसका जो है, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम अगला जो है इंटरोगेटिव कैसे बनेगा उसको देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि ये जो पहला सेंटेंस क्या है, वे आज नहीं सोएंगे, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दूसरा है, तुम खाना नहीं खाओगे, तो ये जो दो सेंटेंस है इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इनका इंग्लिश क्या होगा। चलिए अब आगे हम लोग इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो विल शुरू में आ जाएगा, सेंटेंस के शुरू में। तो पहला यहाँ पर सेंटेंस क्या देखते हैं, क्या मैं स्कूल जाऊँगा, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, विल आई गो टू स्कूल, विल आई गो टू स्कूल। तो जिस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर में विल है तो हमने विल लगाया है, इसका सब्जेक्ट यहाँ आई है और वी वन यहाँ पर गो, इसके बाद इधर टू स्कूल वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस में क्या है, क्या तुम चपाती नहीं खाओगे, क्या तुम चपाती नहीं खाओगे, तो विल यू नॉट ईट चपाती, विल यू नॉट ईट चपाती। तो इस प्रकार से ये दोनों हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस का क्या इंट्रोगेटिव फॉर्म देखा है। आइए और कुछ हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम
मान लिया जाए एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं रांची नहीं जाऊंगा, मैं रांची नहीं जाऊंगा। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई विल नॉट गो टू रांची। आई विल नॉट गो टू रांची। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस हम देखते हैं। वह खाना नहीं खाएगा, वह खाना नहीं खाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? He will not eat food. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का। जो पहले तो डिफिनेशन देखा, इसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखा, उससे रिलेटेड कुछ हमने एक्सरसाइज भी किया। इसके बाद फिर हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को भी देखा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी देखा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे, फिर उसका कुछ एग्जांपल देखे, और हमने कुछ एक्सरसाइज भी दिया। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर उसका आंसर कीजिएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, ऑन दिस वे वी हैव कंप्लीट दिस सेशन। सो वी विल एंड हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।